साथियों, आपको मेरा बहुत बहुत आदाब। जैसा कि आप सब भी जानते हैं और पूरा देश और मैं समझता हूँ हमारे देश के आसपास के जो देश हैं वो भी जानते हैं कि जो ये जो अभी 15-20 दिन पहले हमारे खेड़ा खलीलपुर में हमारे एक भाई को तत्वों बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसकी आवाज़ पूरी देश में जिसके कत्ल की आवाज़ पूरी देश में गूंजी थी। और बहुत सारे लोगों ने एक प्लान करके, बहुत सारे लोगों ने एक षड्यंत्र करके उस एक लायक और होनहार किसी के बच्चे को, इकलौते बच्चे को कत्ल कर दिया। और उस कत्ल में जिन लोगों के नाम आए, उस कत्ल में जिन लोगों के नाम आए और जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हुई, उसमें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था, लेकिन बीच में एक दौर उस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए एक दौर और चल पड़ा। पंचायत, महापंचायत, ये सब होने लगा। वो धीरे धीरे कल के जैसे कल हमारे पूरे हरियाणा वासियों ने और लगभग पूरे भारत के लोगों ने देखा कि एक दो जातीय झगड़े को किस तरह सांप्रदायिक और किस तरह धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, और वो लोग किस तरह के हैं इस मामले को जो सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, उनके लिए हम आज मैं आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम पर्सनली रूबरू हैं, मिलते रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं। मेव समुदाय का बच्चा मारा जाता है और गुर्जर समुदाय के कुछ लड़के उनको मिलकर, एक उनका एक फ्रेंड सर्कल मिलकर उनको कत्ल कर देता है। उस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया। कल हमारे ही जिले नूह के अंदर गांव इंडरी है, हमारा बहुत बड़ा गांव है, भाईचारे का गांव है, जाट बाहुल्य गांव है। उसके अंदर एक पंचायत होती है, महापंचायत। उस पंचायत के जो आयोजक हैं हमारे सोहना के, हमारे एक सतवीर पहलवान जी बताए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, उनकी एक कमेटी है। सतवीर के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने वो पंचायत सारी लाइव देखी। मैं सतवीर का कोई समर्थक या उनका प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने उस पंचायत में देखा, सतवीर अपने आपे को पंचायती आदमी बनाने के लिए पूरी पंचायत में संघर्ष करता रहा, लेकिन वो उसमें अकेला पड़ गया। लेकिन और लोगों के लिए हम बात करना चाहेंगे कि लोग किस तरह के, किस तरह के लोग इस समय कुर्ते पजामे डालकर और कुछ उल्टे सीधे और गैर कानूनी और गैर जरूरी काम कर नेता ठोंडा और इस तरह के लोग पंच हो गए हैं। सही मायने में जो कल की जो पंचायत इंडरी में हुई, इस हत्या को लेकर जो वो कहते हैं लोग के उनको, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, और जो जो लड़के उसमें दोषी नहीं है उनको उस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता देना चाह रहा हूँ कि ये किसी का बच्चा मर गया और मारने वाले कुछ चले गए जेल में और कुछ और चले जाएंगे,
लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज जो है, जो सामने आ रही है, जो दिख रहा है, क्योंकि मैं सोहना का लोकल बासिंदा हूँ, 4-5 किलोमीटर मेरा गांव है और इस आसपास का एरिया है हमारा, हम समझते हैं यहाँ के भाईचारे को, इस पूरे मसले को पूरी तरह से आरएसएस, जो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय संघ सेवक ने उसको पूरी तरह से उसको अपने अपने जाल में ढांकने का उनका पूरा प्रयास हो रहा है। अमूमन लोग हमारे जिले के जो हमारा मेयो बाहुल्य, मेयो मुस्लिम बाहुल्य जिला, अमूमन लोग कहते हैं, हमारे साथी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए या मेयो के लिए, अमूमन इस तरह की बात चलती है कि हमारे लिए क्या किया। मैं इतना कहता हूं कि हालांकि इस विषय पर अभी कोई बहस या बात नहीं होने वाली है, ना हम करने वाले हैं, और किसी के मैं समझता हूँ गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता, और थप्पड़ का मतलब जो एक 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 कहावत है पुरानी कि दो हाथ 1,000 लोगों को एक साथ नहीं मार सकते, लेकिन दो हाथ करोड़ों लोगों को एक साथ माफ़ी और एक साथ उठ सकते हैं, दो लोगों के लिए उनके तो माफ़ी मांग सकते हैं। तो इस विषय पर अभी बहस नहीं हो रही कि किसने किसके लिए क्या किया, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि देश की आज़ादी से पहले एक लंबी लड़ाई जो हमारे देश के लोगों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, बहादुर लोगों ने लड़ी, उसमें सभी कौम के लोग थे, चाहे वो मुगलों के खिलाफ रही, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ रही, उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं थी। और आज़ादी से लेकर 70 साल तक, जिस तरह से भाजपा के लोग कहते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया, मैं समझता हूं कि इस तरह के प्री प्लान और इस संप्रदाय की आड़ में कभी कुर्सी हत्याने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की, ऐसा मुझे लगता है। अब जरूरी तो नहीं कि मैं अगर अकेला सही हूं और आप कोई भी हमारा साथी उसको ज़रूरी नहीं समझता हो, ये अलग विषय है, लेकिन मैं ये बहुत क्लियरली समझता हूं और लोगों को समझना चाहिए कि पूरे मसले को राष्ट्रीय संघ सेवक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर हम सभी लोगों को सतर्क और होशियार रहना चाहिए। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं कि मैं एक तरफ की बात कर रहा हूं, यानी मैं अपने समुदाय की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों से भी कहना देना चाहता हूं जो पंचायत महापंचायत सब कर रहे हैं, उनको शायद ये पता नहीं है। मैंने कल जो उन वक्ताओं को सुना उनके लिए हम थोड़ी बात करेंगे। उसमें मैंने सुना पहले धर्मपाल पहलवान हैं, हमारे पड़ोस के गांव कोटा खंडेवला के वो रहने वाले हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत समय से जानता हूं, मैं समझता हूं उनको मैं स्कूल के टाइम से जानता हूं। मैं जानता हूं बहुत सामान्य परिवार से है वो, अपने आगे का उनके पास कोई इतिहास नहीं है। धर्मपाल के बाद धर्मपाल के माननीय पिताजी, उनके पास ऐसा कोई इतिहास नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि धर्मपाल ने यहाँ पे बहुत गैर कानूनी तरीके से क्लासिक गोल्फ में गलत तरीके से लोगों को मुकदमों में फंसवाया, और उन्होंने जिस तरह से पैसे वैसा कमाया है उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ कि गांव चाहलका में कभी कभी धर्मपाल आते थे तो पैसा उसने कैसे कमाया, लोग पैसे का रंग नहीं देखते हैं कभी भी, लोग देखते हैं कि पैसा किसके पास है। इस तरह का माहौल और समाज बन गया है। और वो उन्होंने कैसे पैसे कमाए, वो कभी आए तो मैंने देखा गांव में कि लोग उनको कभी घोड़े पे बिठा रहे हैं, कभी खुद नीचे बैठ के खा रहे हैं और उनको चारपाई पे बिठा रहे हैं, और मतलब किस तरह का उनके लिए लोगों में, मेरे गांव के लोगों में, मेरे आसपास के गांव के लोगों में, उनके मन में किस तरह का एक भाव रहा सम्मान का, वो मैंने देखा। और मैंने कल धर्मपाल को भी इस पंचायत में सुना जिसमें वो कह रहे थे कि ये रास्ते दो ऐसे हैं, गुड़गांव जाना इस जिले के लोगों के लिए चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से भी लंबा हम कर देंगे, यानी उसको ऐसा लगता है कि। लेकिन धर्मपाल भाई, इससे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सही, आपने बिल्कुल जो आपकी औकात थी, जो आपकी सोच थी, जो आप कर सकते हैं, आपने उतना ही परिचय दिया, वही आपकी औकात की बात है। आप अपने घर से आगे कभी भी आपने मोहम्मदपुर गाँव से आगे किसी चिड़िया को भी नहीं धमकाया, ये सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे गाँव के लोग भी जानते हैं, चूंकि हमारे पड़ोसी हैं तो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। आपने बिल्कुल अपने अपने औकात के हिसाब से बात की कि आपके घर से निकलेंगे, और लेकिन घर के आगे निकलने के लिए कहावत और भी है, हमारे सभी साथी समझते हैं कि घर के आगे तो वो क्या कहते हैं ना कि वो भी शेर होता है, और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सोशल मंच है, लोग उस पर सभ्य लोग भी हैं। तो धर्मपाल भाई, आपने तो उस तरह की बात की। उसके बाद कोई गुड़गांव से ठाकुर आए थे, एक नंबर का लफंगा निकम्मा किस्म का वो आदमी है, मैं उसको भी पर्सनली जानता हूँ। गुड़गांव में टुच्ची किस्म के लोगों में उसकी गिनती होती है। उसके बाद आ जाइए, क्या नाम है ये, सोहना का एक है जिसने आजकल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है। मैं सोहना में जब पढ़ता था मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से देखा था,
उसके बाद एक हाँ अम्मू अम्मू कुछ कहते हैं उसको, उसके बाद एक लम्बरेटा स्कूटर होता था और वो किस तरह से सुबह शाम के अपने उसमें पैक के जुगाड़ में रहता था, मैंने स्कूल टाइम में बहुत अच्छी तरह से उसको देखा, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, सोहना में नौकरी करते थे, अक्सर मैं कर उनको देखता था, वो मुझे पारिवारिक रूप से वो जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ कि उनकी किस तरह की छवि सोहना में थी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन उन्होंने इस बीच में क्या किया, सोहना में किसी भी आम आदमी से आप उसके बारे में पूछते हो कि अम्मू के ये ड्रेस चेंज होने के पीछे, इनका जो ये भेष बदला है इसके पीछे वजह क्या है, तो वो बहुत असभ्य चीज हो जाएगी, उसको यहाँ चर्चा हम नहीं कर सकते। लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि वो भी वो कैसे लोग हैं कि अम्मू जैसे व्यक्ति को किसी संगठन का अध्यक्ष मान लेते हैं, और वो कैसे लोग हैं किसी अध्यक्ष को किसी संगठन बनाते हैं और उसमें अम्मी जैसा लोग अम्मू जैसा व्यक्ति उसका अध्यक्ष है उस संगठन का, तो पता नहीं वो लोग कैसे होंगे जो अम्मू जैसे व्यक्ति को अपना अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं, उनके कहने से बात करते हैं। उनकी बात मैंने सुनी, किस तरह से वो बात कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनके कंधे पर आप रख के चला रहे थे अम्मू जम्मू जो भी है, आप ये समझ लीजिए जिस कौम के लिए आप कह रहे थे, उस कौम के जर्रे जर्रे के अंदर, उस कौम के जर्रे जर्रे के अंदर कुर्बानी भरी हुई है। वो कौम कभी भी अपने इलाके अपने देश के साथ कभी भी मतलब उन्होंने कभी दगा नहीं किया, सिर्फ सिवाय वफादारी के। आप तो सिर्फ ये जो संगठन आपका है ये राष्ट्रीय संघ सेवक के लिए काम करता है, आप अपने एजेंडे पे उसको चलाना चाह रहे थे पंचायत के। उसके अलावा योगेश हिलालपुरिया और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना उसमें, मतलब लोगों ने वो एक तरह से बुलाया गया था लोगों के लिए कि हमारे साथ गैर जरूरी मतलब हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे नाजायज बच्चे फंसा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा रूप बदल दिया गया कि ये पंचायत जो हुई उसमें पूरा का पूरा उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। एक गुड़गांव का टुच्चा कहता है लफंगा यहाँ खड़ा होके कि मैं खड़ा हूँ मेवात की धरती पर, किसी की माँ ने दूध पिलाया है। वो मेवात के लोगों को नंबर शायद बाद में आता, उस पंचायत में एक दो लोग ऐसे थे जो उसको वहीं उसको चंटू लगाने वाले थे और वो घर तक उनको चंटुओं को याद रखता, उन्हीं के समाज के जिनके बीच में वो खड़ा होकर कह रहा था। उसमें भी एक दो लोग ऐसे रहे जो ये कहना चाह रहे थे कि इसको दो चार लफाड़े मारो और इसको भगाओ, ये उनका सम्मान तो अच्छा ही हो जाता अगर ऐसा हो जाता तो। लेकिन पंचायत और पंचायत महापंचायत इन शब्दों का मतलब इस इंद्रिय में हुए हुड़दंग ने बिल्कुल उन शब्दों का महत्व ही खत्म कर दिया कि पंचायत पंच ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पंचायत पंच लोग अमूमन कहते हैं कि पंच परमेश्वर मतलब ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये सभी समाजों के लिए सभी समाजों में इसको इस शब्द को यूज किया जाता है कि पंच परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर इस सकल में नहीं हो सकता। जो सकल हमने कल उस पंचायत में लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से हमने लोगों की सुनी, पंच ऐसा नहीं हो सकता है, परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी, जिस तरह के लोग वहाँ पे दिखे, जिस तरह की वहाँ बातें हुई पंचों से परमेश्वर से, कभी इस तरह के लोगों को नफरत में झोंकने वाली बात कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर के बारे में मैं अपने धर्म के हिसाब से बताता हूँ कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओ के जैसा प्यार करता है। एक हदीस एक हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार कहते हैं कि और जो ईश्वर है अल्लाह है वो अपने बंदे से 70 माओ के तरह प्यार करता है। तो जो 70 माओ की तरह अपने बंदे से प्यार करेगा वो परमेश्वर वो अल्लाह कभी भी इस तरह के पंच के रूप में नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को आग में झोंक देना चाहता है, एक पूरी की पूरी पीढ़ी को एक 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 इस तरफ नफरत में धकेल देना चाहता है। लेकिन ये स्थिति देश की आज़ादी से 70 साल तक नहीं हुई, ये पिछले जो कुछ हुआ इस देश के अंदर पिछले 10-12 सालों में सत्ता हथियाने के लिए किया जा रहा है और सत्ता का ही